स्वागत है आपका रुआन की मामा के चैनल में। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ शोरशे पापड़ा की रेसिपी। ये जो माछ है ये है पापड़ा माछ यानी पापड़ा फिश, और इस रेसिपी को बनाया गया है मस्टर्ड सीड्स के पेस्ट के साथ। तो ये रेसिपी माँ ने किस तरीके से बनाई है, उनका जो तरीका है बनाने का, आज वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं रेसिपी कैसे बनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पापड़ा फिश रखा है वॉश करके। अब इसमें ऐड किया जाएगा नमक और हल्दी, और उनको ऐड करने के बाद इसको मैरिनेट किया जाएगा, यानी उसको अच्छे तरीके से पूरा फिश के स्किन में वो अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। उसके बाद हम उसे फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथों की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट किया जा रहा है, और इसके बाद इसे करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल दिया है, और मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई करना चाहिए। फिश का जो रेसिपी है, फिश को मस्टर्ड ऑयल में बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से फिश फ्राई हो रही है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिश है वो धीरे धीरे करके फ्राई हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक पेस्ट। येलो मस्टर्ड सीड्स, ब्राउन मस्टर्ड सीड्स एक एक चम्मच, टमाटो लिया है एक, ग्रीन चिलीज ली है चार, और लिया है सॉल्ट। तो इनको एक मिलाकर मिक्सिंग जार में पेस्ट बनाएंगे। तो अब हम लोग ग्रेवी बना लेते हैं। तो तेल में ऐड कर दिया है नाइजेला सीड्स यानी कलौंजी के दाने, और साथ में ऐड कर दिया है जो पेस्ट बनाकर रखा था वो, और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ में ऐड कर दिया है हाफ चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम एक बॉईल आने देंगे। तो बॉईल आने से पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक चम्मच के बराबर दही। तो दही से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद ही हम इसमें जो फिश फ्राई की हुई है उनको ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में एक बॉईल आ चुका है, और अब इसमें ऐड करेंगे फिश। फिश को बहुत अच्छी तरीके से हमें इसमें ऐड करना है, जिससे कि अच्छी तरीके से थोड़ी सी डिप हो जाए फिश उसमें, और जो उनका फ्लेवर है ग्रेवी का वो थोड़ा सा फिश के अंदर जा पाए, तो फिश में थोड़ा सा जूसी बना है। और ये जो ग्रेवी बनी है, ये वाली ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है। इस तरीके से आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे, एटलीस्ट 4 से 5 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे। तो अब यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारी जो ग्रेवी है वो कैसी है। बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है हमें इसको, इसका थोड़ा कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप कितना हो गया है। तो कंसिस्टेंसी इसकी यही रखनी है, और हमारी जो फिश है पापड़ा फिश, शोरशे पापड़ा रेसिपी, वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस अब इसे हम लोग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, और इसके बाद एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप और करना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी कच्चा मस्टर्ड ऑयल दिया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। शोरशे पापड़ा रेसिपी ये बहुत ही यमी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, गरम भात के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।